नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। दोनों पैरों से दिव्यांग युवक को होता फाउंडेशन ने दिलाया व्हीलचेयर। बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर मिला व्हीलचेयर और सुमिता होता फाउंडेशन की ओर से मिला वेस्टर्न कोमोड। खबर विस्तार से। चक्रधरपुर प्रखंड के केरा गांव निवासी रविशंकर साहू का ट्रेन में दोनों पैर कटने से दिव्यांग है। रविशंकर को दिव्यांग के कारण रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए काफी परेशानी होती है। उन्हें इन समस्याओं को सहूलियत को लेकर सुमिता होता फाउंडेशन के अध्यक्ष सदानंद होता मदद को आगे आया है। शनिवार को श्री सदा ने बाल विकास परियोजना कार्यालय चक्रधरपुर से व्हील चेयर दिलाया, वहीं स्वयं से उन्हें वेस्टर्न कोमोड दिया ताकि दिव्यांग रविशंकर को शौच जाने में असुविधा न हो। श्री होता ने बताया कि दिव्यांग रविशंकर के इलाज में हर संभव मदद की जाएगी, उन्हें कृत्रिम पैर दिलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी को भी इस तरह की समस्या है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को गंभीर बीमारी है और उन्हें मदद का जरूरत है तो फाउंडेशन हर संभव मदद करेगा। इधर दिव्यांग रविशंकर ने बताया कि उनके सहयोग के लिए सदानंद होता काफ़ी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने श्री होता को दिल से धन्यवाद दिया। दिव्यांग रविशंकर साहू ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह गुजरात के बड़ौदा में मजदूरी कर रहा था। पिछले वर्ष शालीमार ट्रेन से घर लौटने के क्रम में राउरकेला के कांस बहाल स्टेशन के पास अनियंत्रित होकर ट्रेन से गिर गया। गिरने के क्रम में उसके पीठ पर बैग लगा हुआ था, जिसके चलते उसके सिर में चोट नहीं लगी, लेकिन दोनों पैर कटने के बावजूद भी रात भर रेल पटरी पर घायल अवस्था में पड़ा रहा। सुबह स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उनका सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया। परिजन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बुरला मेडिकल कॉलेज में बुरला में भर्ती किया, जहाँ 2 माह इलाज के बाद थोड़ा बहुत सुधार हुआ। उनके पैर कट जाने से अपाहिज हो गया, अब उन्हें मदद की जरूरत है क्योंकि वह अपने माता पिता का सहारा था। दिव्यांग होने के बाद वह उनके लिए सहयोग नहीं कर पा रहा है। सामग्री वितरण के मौके पर CDPO कार्यालय के अकाउंट मार्टिन मुर्मू, कर्मी डैनियल मुर्मू आदि लोग मौजूद थे। इसीलिए इनको आप पहले हमको लगा कि झारखंड सरकार के द्वारा मान बाल विकास परियोजना कार्यालय के द्वारा जो दिव्यांग लोग के लिए जो व्यवस्था है वो वास्तव में इनको मिलना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बाल विकास परियोजना कार्यालय के द्वारा दिया जाता है जी। उसमें एक व्हील चेयर भी इसमें शामिल है और इनके दिनचर्या करने में बहुत ही इनको तकलीफ होता था बाथरूम जाने में जी, पेशाब करने जाने में। तो हमने इसका इनका उस दिन भी बोला था कि आपको आप आइएगा, हम लोग यहाँ से आपको एप्लीकेशन देने से ये व्हील चेयर मिल गया जी। और इनका पैखाना के लिए तकलीफ होता था तो हम लोग वेस्टर्न जो लेटरिन जो अपने स्तर से इसको आप खरीद के दें। अच्छा, अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जी। इनका दवाई भी जरूरत है जी, अभी तक इनका दर्द नहीं गया पाँव का। अच्छा, सीने में जो इनका पंजरा का 3 गो हड्डी टूट गया है जी, उसमें भी दर्द है, माने अभी भी अस्वस्थ है। एक्सरसाइज करा देंगे और उसके बाद इनको पेंशन भी दिला देंगे और बहुत जल्द इनको हम टाटा लेके इनका पाँव भी लगाएंगे जी। और जो वहाँ ऑर्थोपेडिक है टाटा स्टील में उनको भी दिखा के इनका दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसके लिए